आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग से और अधिक मोहब्बत करने लगेंगे। और अगर आपने किसी भी गेस्ट को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह बात समझा दी, तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार क्या है, तो बड़ी ही आसान तरीके से कहा जा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जी हाँ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है जिसके जरिए आप अपनी उत्पाद और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने उत्पाद और सेवाओं को डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं, और बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, कोई और भी इंसान नहीं होता। आप सीधे कस्टमर से जुड़ते हैं, आप सीधे लोगों से जुड़ते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है जितना वो सेल कर पाए। वो जितने भी सेल्स खुद से कर पाता है, उन सेल्स पे उसे मुनाफा मिलता है, उसे फायदा मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के साथ साथ और भी लोगों को सेल्स करने के लिए इनवाइट करने का और रिक्रूट करने का भी पैसा मिलता है। 1945 में कैलिफोर्निया विटमिन्स ने न्यूट्रलाइट विटमिन्स को डायरेक्ट सेल्स के द्वारा बेचने की शुरुआत की थी। जी हाँ, सबसे पहले 1945 में कैलिफोर्निया विटमिन्स ने न्यूट्रलाइट विटमिन्स को डायरेक्ट सेल्स के द्वारा बेचने की शुरुआत की थी, और तब कुछ वो हुआ था जो इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अधिकार मिला कि आप भी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट कर सकते हैं, और उनके द्वारा जितने भी सेल्स किए जाएंगे उन सब पे मुनाफा उठा सकते हैं, उन सब पे आपको भी फायदा हो सकता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक किसी भी इंसान को रिक्रूट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के पास था, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के मालिकों के पास था। पहली बार कंपनी से ये अधिकार निकाल के आम लोगों में बांट दिया गया, यानी कि बाकी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अधिकार दे दिया गया कि आप भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, और उनके द्वारा जितना भी काम होता है, जितने भी सेल्स होते हैं, उन पे आप भी मुनाफा उठा सकते हैं। इतिहास में ये पहली बार था जब हर एक इंसान अपने आप में एक कंपनी बन गया था। आप खुद सोचिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब होता है कि आप रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के मालिक हैं, तो आप लोगों को रिक्रूट करने का अधिकार रखते हैं, और आप जितने भी लोगों को रिक्रूट करेंगे, उन सब के काम का फायदा आपको होता है। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया? नेटवर्क मार्केटिंग ने एक आम इंसान को भी अधिकार दे दिया कि आप भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, और उनके द्वारा जितने भी सेल्स होंगे, उन सब पे आपको फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग ने हर एक इंसान को कंपनी बना दिया, और हर एक इंसान चलता फिरता कंपनी हो गया, क्योंकि उसके पास अब ये अधिकार था कि वो अपने लिए और भी लोगों को रिक्रूट कर सकता है, और उनके द्वारा जितने और भी लोग रिक्रूट होंगे, उन सब के काम का अनलिमिटेड डेप्थ तक उसको फायदा मिलता रहेगा। आप खुद सोचिए कि इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग ने वाकई 20वीं सदी में एक तहलका मचा दिया, और 20वीं सदी का सबसे बड़ा आर्थिक आविष्कार मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही कहता हूं। इससे बड़ा कोई फाइनेंशियल, इससे बड़ा कोई इकोनॉमिक मींस इन्वेंशन हुआ ही नहीं 20वीं सदी में। यह सबसे बड़ा इकोनॉमिक इन्वेंशन था जिसने वाकई आर्थिक दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें यह बात समझना चाहिए। आप और भी लोगों को यह बात समझाइए कि बाकी जगहों पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि आप खुद ही कंपनी होते हैं। आप जहां से शुरू होते हैं, वहां से एक कंपनी शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो।